आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। इसके लिए आपको ये सबसे पहले वेबसाइट खोलनी होगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप ये वेबसाइट खोल सकते हैं। फिर आपको इसमें सबसे पहले आपको नेशनलिटी इंडियन अदर, फिर आपको अपना नेम, इसमें अपना आगे क्या लगाते हैं, मिस्टर मिस या मिसेज, फिर आपको नेम और अपना सरनेम, फिर आपको फादर्स नेम, फिर मदर्स फुल नेम, फिर आपको जेंडर मेल या फीमेल, फिर आपको डोमिसाइल, आप कहाँ के मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या अदर स्टेट के हैं। छत्तीसगढ़ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, एससी एसटी ओबीसी और यूआर। या अदर स्टेट के हैं तो आप फिर जनरल में आएंगे, फिर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ इसमें यस या नो, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ इसमें यस या नो, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे एज आ जाएगी आपकी 1/1/2017 तक, फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट, इसके लिए आप क्या डालेंगे, 10th क्लास की मार्कशीट या 11th या 12th की मार्कशीट, आप इन पे से क्लिक करके, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। फिर अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस पे क्लिक करें वरना नहीं। इस कैंडिडेट एवर टर्मिनेट फ्रॉम एग्जामिनेशन और फ्रॉम सिलेक्शन, क्या अभ्यर्थी को किसी भी परीक्षा अथवा में विवर्जित किया गया है, इसमें यस या नो, फिर आप पे अगर कोई केस चल रहा है तो इसमें यस या नो, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, फिर अपनी ईमेल आईडी, फिर आपको ये कैप्चा कोड जो इमेज बनी हुई इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा बिना स्पेस के, फिर आपको आई एग्री और आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको, और एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप इसमें कोई गलती ना करें। रजिस्टर करने के बाद आपकी ये डिटेल्स आ जाएंगी, फिर आप लॉग आउट पे क्लिक करें। अब दोस्तों आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है। करने के बाद ये आपको फिर से पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा, आपको यहाँ कॉर्नर में ऊपर की तरफ गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें आपको करंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यस पे क्लिक करें वरना नो पे, और फिर अपना परमानेंट एड्रेस डालें। फिर आपको एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करनी होगी, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास पड़े, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेकंड नंबर पे अदर्स डिटेल्स, आपको इसमें अदर्स डिटेल्स भरनी है, इस कैंडिडेट मेरिट इसमें यस या नो, इस कैंडिडेट एवर टर्मिनेटेड और पनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस, क्या भर्ती को कभी सेवा से पृथक अथवा दंडित किया गया है, यस या नो, इज एनी क्रिमिनल केस, यस या नो, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, इसमें इस कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, क्या उम्मीदवार स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत कर रहा है, इसमें यस या नो, अगर आप अपनी यूजी कोर्स में लास्ट ईयर में हैं तो आप यस करें वरना नहीं, अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया तो यस करें। फिर आपको इसमें अपने ग्रेजुएशन डिटेल्स डालनी है, टाइटल आपने किससे करा है, क्या करा है, फिर आपने कौन सी सब्जेक्ट से करा है,
फिर ग्रेड वैल्यू कौन से डिवीज़न में, परसेंटेज कौन से डिवीज़न में, फिर आपको यूनिवर्सिटी डालनी है अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, फिर पासिंग ईयर, और फिर आपको रोल नंबर डालना है, फिर इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने कहीं पे वर्क कर रखा है तो आप अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। पहले आपको पद बताना होगा कौन से पद पे करा है, फिर ऑफिस नेम या प्लानर नेम, फिर आपको कौन से डेट में सर्व करना अवधि, फिर आपको कब तक करा है आपने काम, फिर आपको अगर और डालना चाहते तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करें, अगर आपने कुछ नहीं करा तो फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक करें, आपका एक पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना फोटोग्राफ चूज करना है, चूज फाइल, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। फिर अपलोड हो जाने के बाद ये फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड दिखाएगा, फिर आपको सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका सिग्नेचर करा हुआ है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए उसका साइज। अपलोड हो जाने के बाद आप क्लोज दिस विंडो क्लिक करें और ये आपका अमाउंट दिखा देगा कि आपको कितने पेमेंट करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड डालना है, फिर आई एग्री पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू एप्लीकेशन, फिर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएगा जो आपने फिल करा है, फिर ओके पे क्लिक करना है आपको और सबमिट पे क्लिक करें। फिर आप अपना पेमेंट कर पाएंगे, आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।